सभापति महोदय, मान संख्या 27 और 28 के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत धन्यवाद। बात पूरी करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं मुद्दे की बात करूंगी। पिछली हमारी सरकार ने 100 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको 150 बेड का किया। जिस तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो अस्पताल बना हुआ था, बहुत पुराना अस्पताल था, और वो अस्पताल की बहुत पुराना अस्पताल था, उस अस्पताल में राजा महाराजू के टाइम का कोई ठिकाना था, उसमें भवन में चलाया जा रहा था, और पीछे फिर रेल के डिब्बे की तरह कर्मोन्नत होते गए और भवन बनते गए। आज भी उसी अस्पताल को हमारी सरकार गहलोत साहब ने 6 करोड़ 11 लाख की लागत से उस भवन को स्वीकृत किया और बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। उसका शिलान्यास भी कांग्रेस और बीजेपी सभी ने मिलकर उसका शिलान्यास किया, उद्घाटन भी उन्होंने 2023 का उस भवन का उद्घाटन भी किया। इसके बाद में हॉस्पिटल, जो पुराना हॉस्पिटल से उसको नए हॉस्पिटल में शिफ्टिंग करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करके, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि उसको विभाग के अधिकारी भी हैं, उसको दिखवा के और उसकी जांच करके वास्तविक वह भवन कमेटी बनी और कमेटी बन के उसकी गंभीर हालत में, जर्जर अवस्था में था, उस बिल्डिंग को जल्दी से बना के उस नया भवन में शिफ्टिंग कराने का कष्ट करें। जिस तरह से आज, और एक ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पिछली सरकार गहलोत साहब के टाइम पे ट्रॉमा सेंटर, वो गुजरात की सीमा लगते हुए हाईवे पे है, वो ट्रॉमा सेंटर भी खुला था। उस टाइम आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन इस घटनाएं घट रही है। इस ट्रॉमा सेंटर को मैं मंत्री जी जब भी रिप्लाई दे, उसमें ये ट्रॉमा सेंटर का कुशलगढ़ विधानसभा सज्जनगढ़ का बिलकुआ का जिक्र करें, और ये मेरी मांग रखती हूँ। जिस तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उप स्वास्थ्य केंद्र सज्जनगढ़ में पिछली सरकार ने राशि स्वीकृत करने के बाद भी आज तक इस कार्य को अभी तक किया नहीं है। किन ठेकेदारों ने इस ठेकेदारी ली, इन ठेकेदारों को जिस तरह से उन्होंने बिलों में लेना इनकी परेशानी है, यह हमारी जनता की परेशानी नहीं है। इसलिए ऐसे जिन्होंने, जिन अधिकारियों ने और जिन ठेकेदारों ने आज तक ये 8 हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनको जल्दी से जल्दी उस को स्वीकृत करा के निर्देश दे के उसको कराया जाए। और मैं एक ये कहना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत पाटन में भवन बन रहा है, उस ठेकेदार ने चालू भी कर दिया, छत डाल दी, इसके बाद में आज तक वापस खिड़की दरवाजे और नीचे की पत्थर आज तक नहीं लगाए। इसी तरह से उकाला की ऐसी कैसी हालत, भवन कॉलम खड़े करके ठेकेदार गया तो वापस नहीं आया। ऐसे ठेकेदारों को जांच बिठा के और कमेटी बिठा के तत्काल प्रभाव से इसकी जांच की जाए, और किस तरह से इन्होंने ये जो किया है, और आज हमारी जनता इसके ऊपर देख रही है। मैं
सब एक बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा टाइम ज्यादा तो धीमे धीमे स्पीड है धन्यवाद उदयलाल बड़ाना।